और जहाँ जाने का पैदल रास्ता था 3 डे फुट मार्च था, तो वहाँ मैं 10 मंथ की बच्ची को लेके गई। और वहाँ बच्चे तो हमको बिल्कुल पेरेंट जैसा मानते थे। ऐसे ऐसे बच्चे आए जो घर में रह के पढ़ना सीखते थे। मैम कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आपसे वही है कि आपका एस्पिरेशन क्या था, टीचर बनना है, आपको ऑनरियम मिला है। तो हम लोग यहाँ में 40 आज टीचर्स को एवॉर्ड दिया, लेकिन बहुत ही कम फीमेल पार्टिसिपेंट दिखाई मिले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हिजा अलवर सुनसरी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और फर्स्ट मैं स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर हूँ, तो इसके लिए मैं अरुणाचल में सरवाइव करना मेरे लिए बहुत आसान हुआ। फर्स्ट पोस्टिंग मेरा साली में था, और जहाँ जाने का पैदल रास्ता था 3 डे फुट मार्च था, तो वहाँ मैं 10 मंथ की बच्ची को लेके गई। और वहाँ बच्चे तो हमको बिल्कुल पेरेंट जैसा मानते थे। ऐसे ऐसे बच्चे आए जो घर में रह के पढ़ना सीखते थे। फर्स्ट ये एक्सपीरियंस था अरुणाचल का। उसके बाद से हमने बहुत उनको, मतलब घर में वो लड़कियां ऐसी थीं जो बिल्कुल पढ़ने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता था, तो वो घर में हमारे साथ ही रहती थी। उनको हमने बहुत इनक्रेज किया कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लिखने से फिर भी थोड़ा कुछ जो लिखा है उसको समझ सको, फिर लाइफ में कुछ आगे बढ़ सको। वहाँ से फिर मेरा पोस्टिंग कमले डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कमले से फिर मैं अभी लोअर सुनसरी डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो सबसे पहले लड़कियों को, लड़कों को तो लोग शिक्षा देते हैं, लड़कियों को वो लोग शिक्षा नहीं देते हैं। तो उसके लिए मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब लड़कियाँ शिक्षित रहेंगी तो सिर्फ अपना घर नहीं, जहाँ जिसके साथ शादी ब्याह होगा, जिसके साथ जाएंगी, उसको भी वो सुधारेंगी और समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो आप लोग को ऑनरियम मिला है, काफ़ी मेल टीचर का पार्टिसिपेंट ज़्यादा देखा है, आप अपने फीमेल कलीग्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जो भी हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, ये स्कूल से अपना अच्छा काम दिखाना चाहिए, एक्टिव रहना है, स्कूल में जिम्मेदारी निभाना है, तो ज़रूर उन लोगों को भी कभी ऐसा अवसर मिलेगा। फीमेल टीचर हैं, क्योंकि फीमेल टीचर ज़्यादातर घरों में, स्कूल में करके घरों में हम लोग ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को थोड़ा स्कूल में समय दे के और बच्चों को इंस्पायर करके तो ज़रूर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ टीचर लॉन्ग बैक इन 2009। I was posted at Kurunkume district, Kolorian, and everybody says that Kurunkume is a very hard belt. I've been posted there for around 11 years, 2 months. And there I have started teaching my students to the best of my ability, and whatever possible was there, I tried to mold, to motivate them, so that education will become a very, what we, joyful to learn. And you know, one more thing, like apart from teaching, I have engaged myself in other co-curricular activities as well. Like I have interacted with the students there and with the local communities there. I have participated in every activities that takes place out there. So that way, like teaching can be made very joyful and very interesting as well. And to all the teachers and all the aspiring teachers, especially those younger ones, I would say that teaching is not everybody's cup of tea. You need to be determined. You need to be very qualified. Unless and until you are disciplined, determined and qualified, you cannot bring about a change in the education system. So first of all, one should be well equipped with knowledge. We should acquire a lot of skills, a lot of knowledges, and with that knowledge, we can make students a very humble and a very disciplined citizen of our country. That's the priority for every teacher, that I feel. Like acquiring job is another aspect to support our family, to support oneself, but building a society is the priority, the most important thing that we need to know. We need to create a human being out of nothing, so that collectively we may change the society in the long run. So being a teacher is very important, and to be honest,
teaching is a very noble profession, and we should encourage teachers in every way, in every form. So I would like to say all the trainees, all the aspiring teachers, this is a very good profession. You can go for that and you can change the society. Especially to my travel teachers. देखिए हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग ईटानगर में पोस्टेड होना चाहिए, कैपिटल रीजन में होना चाहिए, और उस पर कोई जाना नहीं चाहता है. लेकिन यहाँ पे देखते हैं आउट ऑफ 40 32 नॉन ट्रैवल टीचर्स है. वे आउटकोर्स में रहते हैं, वहाँ जाके वहाँ बैठ के सेवा करते हैं. ये उस सेवा का परिणाम है जो आज उनको पुरस्कार दिया जा रहा है. हमारा ट्रैवल टीचर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वे जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे रहे और पूरा ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी करे, सो देट स्टेट गवर्नमेंट उनको एक दिन रिकॉग्नाइज करे, उन्हें भी पुरस्कार दे. ये मेरा संदेश है कि अपना पोस्टिंग प्लेस पे रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए. Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.